नमस्कार, आप सभी का सीमा सुखाओ सीखो कुछ नया में बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है सबकी पसंद मफिन, और उसका फ्लेवर है बनाना आलमंड मफिन, जो खाने में बहुत टेस्टी है, बनाने में आसान है। और अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो के दौरान ही इस बात पे हम डिस्कस कर भी करेंगे कि मफिन में और कपकेक में क्या डिफरेंस होता है। तो देर न करते हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना मफिन, लास्ट तक बने रहिएगा। बनाना आलमंड मफिन बनाने के लिए मैंने कुछ बादाम लिए हुए हैं, और इस बादाम को जो है आप मिक्सी में क्रश कर सकते हो, या फिर ऐसे कूट करके या काट करके छोटे छोटे टुकड़ों में से कट कर लेती हूँ। साथ ही मैंने दो पके हुए केले लिए। सबसे फर्स्ट में क्या करते हैं, इसको मिक्सी में खूब बारीक पीस लेते हैं। तो बाउल में सबसे पहले मैंने 4 स्पून जो है ये ऑयल है, जो क्वान्टिटी में 30 ml के आसपास है। यहाँ पे ऑयल की मात्रा को हम ज़्यादा या कम आराम से कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 3/4 कप जो है शुगर पाउडर लिया हुआ, तो इसे मिक्स कर लेते हैं। तो कपकेक और मफिन बनाने में यही दो मेन डिफरेंस होता है, कि जैसे हमने यहाँ कपकेक में यहाँ पे बटर ज़्यादा लेना ज़रूरी है, बट मफिन में जो ऑयल है उसकी क्वांटिटी को आप ज़्यादा या कम कर सकते हो। ये तो उसकी फर्स्ट डिफरेंस मीन कपकेक का और मफिन का हो जाता है। और सेकंड चीज़ क्या है, चीनी की क्वांटिटी को भी हम कपकेक ज़्यादा मीठा बनाते हैं और मफिन को थोड़ा सा कम मीठा बनाते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लें, और इसी में हम डाल देंगे जो हमने केले को जो मिक्सिंग पीसा था वो डाल देंगे, तो ये थोड़ा सा नेचुरल मीठा इसका भी आ जाएगा। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इसमें एक एग, तो ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। अगर आप अंडा नहीं खाते हैं तो इसे स्किप कर सकते हो। अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसमें हम डाल देंगे गेहूं का आटा। तो तीसरा डिफरेंस मफिन और कपकेक का मैं ये बता रही हूँ अभी यहाँ पे, कि कपकेक ज़्यादातर हम मैदे से ही बनाते हैं, लेकिन मफिन को आप मैदे से और गेहूं के आटे दोनों से बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इसमें 1.5 कप आटा। आटा छना हुआ है तो इसलिए मैं डायरेक्ट इसमें डाल रही हूँ। तो 1.5 कप डाला मैंने इसमें आटा। साथ ही मैं इसमें डालती हूँ 1 स्पून डाल रही हूँ इसमें बेकिंग पाउडर, और 1/2 स्पून डाल रही हूँ इसमें बेकिंग सोडा। नेक्स्ट जो 4th डिफरेंस बताती हूँ इसमें, कि जो आपके कपकेक होते हैं उसका जो ये बैटर बनता है वो काफ़ी फ्लफी सा और काफ़ी थोड़ा सा पतला सा बनता है, ठीक है। और हमारे इसमें जो मफिन्स के हैं थोड़ा सा हम इसमें थिक रखते हैं। इसमें जितनी ज़रूरत होगी हम दूध डाल देते हैं। यहाँ पे इसमें मैं 1 पिंच नमक डालूँगी। इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। थोड़ा सा अभी भी काफ़ी टाइट सा लग रहा है, थोड़ा सा दूध जो है थोड़ा थोड़ा करके मिलाते जाएंगे। अब यहाँ पे इसे और थोड़ा सा हेल्दी और टेस्टी बनाने के लिए, कि मफिन आपने देखा होगा थोड़ा सा अंदर से टाइट सा भी होता है, इसके लिए मैं यहाँ पे मैंने 1/2 बाउल जो है ओट्स लिए हुए हैं, ठीक है। इसमें से मैंने आधे ओट्स को जो मिक्सी में पीस लिया, और थोड़े से जो ओट्स जो है इसी तरह छोड़ दूंगी। तो मैंने आधे को बारीक पीस लिया मिक्सी में, और इसी भी मैं इसमें मिक्स कर देती हूँ। इसका समय मीठा खाना तो सभी को पसंद आता है, लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, थोड़ा सा आप हेल्थ के लिए सोचते हो कि हम बहुत मीठा भी नहीं खाना है हमें, तो जनरली इसमें क्या कीजिए, आप मफिन बनाइए और फ्रूट्स के जो नेचुरल मीठा है वो डालिए ज़्यादा, चीनी की क्वान्टिटी को थोड़ा सा कम कर दें। सेम इसी तरह मैदे की जगह आटा, और हम ओट्स भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम डाल दे रहे हैं थोड़ा सा वेनिला एसेंस, इसे टेस्ट और अच्छा हो जाएगा। साथ ही मैंने जो बादाम को क्रश किया था उसे डाल देते हैं। देख के लग रहा होगा ना काफी थिक सा भी दिख रहा है ये।
हमें इसे ऐसे ही रखना है। और जो मैंने अभी ड्राई फ्रूट्स डाला, तो हम फिर डिफरेंस का ये कर सकते हैं कि कपकेक जो हम बनाते हैं तो वो ज़्यादातर अंदर से सॉफ्ट होता है, क्रीमी होता है, और मफिन्स में जो है हम ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, अंदर से जो नेचुरल फ्रूट्स है वो कट करके डाल सकते हैं। हम इसे रखते हैं साइड में और ट्रे में हमें बनाना है मफिन्स, ले लेते हैं और इसकी हल्की से पहले हम ऑयलिंग कर लेते हैं। अब इसके ऊपर जो है थोड़ा सा ओट्स डाल देंगे, साथ ही आलमंड को मैंने कट करके रखा हुआ है वो डाल देते हैं। डालने के बाद जो है इसे हल्का सा प्रेस कर देते हैं। ये बादाम के टुकड़े थोड़ा सा मैंने बड़े बड़े रखे हुए हैं, इसलिए इसे हल्का सा इसे बस प्रेस कर दें। तो इसे मैं अब ओवन रख देती हूँ। ओवन को मैंने प्रीहीट कर लिया 8 मिनट जो 180 डिग्री सेल्सियस पे, तो प्रीहीट हो चुका। अब मैं इसे रख देती हूँ 25 मिनट्स के लिए बेक मोड पे और 180 डिग्री सेल्सियस पे। तो बनने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसे। तुम्हारे मफिन्स बनकर तैयार हो गए हैं। देखा आपने कितना आसान है मफिन बनाना। एक बार बना लीजिए आराम से, इसे 2-3 दिन तक खाते रहिए। तो अभी ट्राई कीजिएगा, कैसा लगा जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब व कमेंट्स करें और बेल बटन पर प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।